एक्सप्रेस एंट्री का इनवाइट आया, तो आपका स्कोर कितना था एक्सप्रेस एंट्री में उस टाइम पे? लाइक बिफोर पीएनपी मेरा स्कोर बहुत कम था, 389। बस ये होप है भाई सबके लिए, तो 389 सुनने वालों खुश हो जाओ आप, तो हिम्मत नहीं हारनी है। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और आपका सीआरएस स्कोर बहुत कम है, आप कनाडा की पीआर के बारे में सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें कनाडा में जॉब चाहिए डायरेक्टली, क्या हम डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं कि नहीं, जी हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सक्सेस स्टोरी प्रियंका की। वो हमारे साथ इस कॉल में ज्वाइन करेंगी, जिन्होंने यहाँ इंडिया में बैठे बैठे अप्लाई किया जॉब्स के लिए, उनको जॉब मिली, जॉब मिली बिना LMIA के, किसी LMIA की जरूरत नहीं पड़ी उनको, और उसके बाद उन्होंने उसी जॉब ऑफर को यूज करके अपनी पीएनपी ली, पीआर ली, और उसके बाद विद फैमिली, दो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ यहाँ पे डायरेक्ट पूरी फैमिली पीआर होके आई। इस वीडियो में वो यही शेयर करेंगे कि उन्होंने जॉब ऑफर कैसे लिया, किसी को कुछ पे नहीं किया, विदाउट LMIA है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी प्रोफाइल से वो है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, वो सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करेंगे। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा प्रियंका, हाउ आर यू? या आई एम डूइंग गुड, थैंक यू, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपको कनाडा कैसा लग रहा है, कैसा लगा कनाडा आके? Canada is really a very loving country और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Not only me, मेरी family, like kids, husband, we all are very happy and glad and thankful to God that we are here. That's great to hear, क्योंकि आजकल इतनी negativity है social media पे, लोग कह रहे हैं कि भाई मत आओ या फिर हम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। It's good to hear from someone who recently came to Canada, is liking Canada as well. सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्रियंका आपके बैकग्राउंड के बारे में, और आप कनाडा कब आए और कैसे आए? आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, मी माय हस्बैंड, हम दोनों फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इंडिया में हमारा क्लिनिक था, बट लाइक क्लिनिक वाज रनिंग वेरी गुड, वी वर अर्निंग वेरी वेल, वेल सेटल्ड इन इंडिया, बट द ओनली थिंग वॉज कि वहां पे हमारे काम की इतनी वैल्यू नहीं थी, आर प्रोफेशन वॉज नॉट दैट मच अप टू द मार्क ओवर देयर। तो वही होता है ना कि जहाँ बोलते हैं ना हीरे की जो पहचान होती है वो जौहरी को ही होती है, बस होती वही है। बात है। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे वही है कि प्रोफेशन की वैल्यू बहुत है। तो अभी जैसे 6-7 महीने हो गए हैं हम यहाँ आए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अभी तक मतलब वी आर नॉट अप टू द मार्क, लाइक वी आर नॉट करंटली वर्किंग एज प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट, वी आर वर्किंग एज असिस्टेंट्स, लेकिन एज एन असिस्टेंट भी हमको इतनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, और पता चल रहा है कि मतलब काम की कितनी पहचान है बोल है यहाँ सकते पे। हैं। यू मेड द राइट डिसीजन, इट मींस सो या इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन एज वेल, फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि एक स्किल वाला काम होता है। इफ यू नो सम स्किल देन डेफिनेटली इट्स वैल्यूएबल हियर इन कनाडा। सो आप लैंड कब करे थे कनाडा? वी लैंडेड ऑन 10th of September लास्ट ईयर 2023। ओके, आपकी प्रोफाइल में सबसे अच्छी चीज है जो लोग शायद सुन के हैरान हो जाएंगे, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अगर आपके पास सही स्किल है तो आप बिना LMIA के भी आ सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, तो ऑडियंस को मैं बता दूं प्रियंका यहाँ पे बिना LMIA के आई है, एंड देन शी ऑल्सो गॉट द PR थ्रू द सेम स्ट्रीम एज वेल। सो प्रियंका उसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए। इन जून 2022 आई अप्लाइड फॉर लाइक एक्सप्रेस एंट्री एंड ऑल्सो फॉर PNP, लेकिन IELTS का स्कोर इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, लाइक 8777 चाहिए होता है बोलते हैं, बट आई हैड 8776, और एज फैक्टर था दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, और लाइक तो बिकॉज ऑफ द एज द स्कोर वॉज गेटिंग लो, और IELTS का स्कोर भी कम था, बट स्टिल लाइक आई हैड दैट होप कि ज्यादा नहीं तो चलो मतलब उतने पॉइंट्स तो बन रहे थे कि एटलीस्ट Saskatchewan जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है SINP की, उसमें तो हो ही जाएगा सिलेक्ट वगैरह। हाँ जी हाँ, तो आई स्टिल लाइक हैड एन होप, और मैंने अप्लाई कर दिया था, और साइमल्टेनियसली व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इंडीड पे और जॉब बैंक पे मैं डेली अप्लाई करती थी जॉब के लिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब इज अ गुड रेज्यूम एंड अ वेरी गुड कवर लेटर, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। टोटल मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया था, एंड द लास्ट विच आई गेव वॉज इन ऑगस्ट, या आई गेव इन ऑगस्ट 2022। ओके,
हाँ जी हाँ, तो उसमें फिर वो यहीं से ही था जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ. इट्स लाइक नॉर्दर्न हेल्थ का हॉस्पिटल है, पब्लिक सेक्टर है. तो यहाँ से मुझे आया था कॉल. पहले उन्होंने मुझे वेस का पूछा कि आपने वेस करवाई हुई है, तो उन्होंने पहले वो चेक किया कि एजुकेशनल इक्विवेलेंसी है या नहीं. और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब स्केड्यूल किया इंटरव्यू. और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने मतलब सब पूछा. लाइक इंटरव्यू वेंट रियली वेल. और उनके पास मतलब काफी लंबी चौड़ी लिस्ट थी. दे शी और दे एंड दे वर थ्री ऑफ देम साइमल्टेनियसली, तीन बैठे पैनल हुए थे. हाँ, इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू. तो काफी अच्छा था, मतलब जैसे प्रोफेशनल होता है पूरा. तो इट वाज रियली फीलिंग टू गुड, क्योंकि इतने साल का भी जॉब तो किया ही नहीं, खुद का ही क्लिनिक था. तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड लाइक इट वाज ऑलमोस्ट फॉर 1.5 to 2 hours इंटरव्यू. तो इट रियली वेंट वेल. या एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने पूछा कि आपकी फैमिली और वगैरह वो सब डिटेल्स. तो आई टोल्ड देम दैट माय हस्बैंड इज आल्सो फिजियोथेरेपिस्ट, वी वर्क टुगेदर. तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दो वैकेंसीज हैं. एंड दे या एंड दे ऑलरेडी दे टोल्ड मी दैट दे आर गोना हायर मी एंड दे विल सेंड मी द हायर लेटर. तो उन्होंने कहा कि आपको तो हमने हायर कर लिया है, दूसरी वैकेंसी भी है, आप अपने हस्बैंड को पूछ लो अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो. तो उन्होंने या तो फिर उन्होंने हस्बैंड का भी इंटरव्यू ले लिया था. लाइक आई रिसीव माई हायर लेटर इन सितंबर 2023, और हस्बैंड का इंटरव्यू लेके उनको उन्होंने हायर लेटर दे दिया था आई थिंक इन अक्टूबर. या एंड फ्रॉम देयर लाइक ऑल द प्रोसीजर स्टार्टेड. लाइक वो हायर लेटर मिल गया दोनों का, फिर वो हमने अपनी एप्लीकेशन में एड ऑन कर दिया था जो एक्सप्रेस एंट्री एक्सप्रेस की. एंट्री में ही। हाँ जी हाँ. एंड उसके बाद फिर 12th of January को पीएनपी का इन्वाइट आ गया था, ट्वेंटी ट्वेंटी ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी ना, अपने बीसी हाँ पीएनपी जी से। हाँ, BC PNP से. और फिर 18th January को जो ड्रॉ हुआ था एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें IT आ गया था इन्विटेशन अप्लाई करने के लिए. मेरे छोटे से क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट। सो जो आपको जॉब जॉब के लिए कॉल आई थी, आपने कहाँ पे अप्लाई किया था? जॉब इंडीड बैंक से. से, इंडीड से आया? हाँ इंडीड जी से। हाँ तो शायद. मैं ये भी बता दूँ ऑडियंस को कि इंडीड जॉब बैंक हर जगह अप्लाई करो, कॉल हाँ आती जी, है। इट्स और एक लाइक और, indeed.ca, हाँ जी हाँ जी jobbank.ca एंड हाँ जी indeed.ca. सी हाँ जी दोनों से, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि जो इन्होंने आपको ऑफर लेटर वगैरह दिया था, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था बीसी पीएनपी में, जब एक्सप्रेस एंट्री का इनवाइट आया, तो आपका स्कोर कितना था एक्सप्रेस एंट्री में उस टाइम पे? लाइक बिफोर PNP मेरा स्कोर बहुत कम था, 389. बस ये होप है भाई सबके लिए। तो 389 सुनने वालों खुश हो जाओ आप, तो हिम्मत नहीं हारनी है। प्रियंका ने हिम्मत नहीं हारी, तो 389 के बाद आपके 600 पॉइंट्स ऐड हो गए होंगे ना, जब यस पीएनपी का इनवाइट आया हाँ जी होगा। हाँ, हाँ तो जी कोई हाँ भी स्कोर लो नहीं होता, मैं यही बोलूंगी कि जितना भी आपका स्कोर है, अगर स्किल सही है तो डेफिनेटली। उसके बाद हाँ आपका फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा हाँ पीआर, ये ठीक हाँ, सब है। स्टार्ट तो बहुत होने स्मूथ रहा सारा कुछ, एंड आई वुड से कि आपकी तो फिर लॉटरी टाइप ही लग गई, कि एक बंदा गया है दूसरे की भी जॉब लग गई, तो टेंशन नहीं होती ना जब आप जॉब के वही. साथ आते एंड हैं। दैट टू इन अ गवर्नमेंट सेक्टर लाइक पब्लिक सेक्टर जॉब. लाइक आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय दिस तो थिंग. लाइक ऑब्वियसली कनाडा को अच्छा ही बोलेंगे, भाई कनाडा यहाँ पे बैठे बैठे आपको गवर्नमेंट जॉब दिला रहा है, राइट? सो इंडिया को सही आपको बात पता है है, कितनी मारा मारी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इंडिया में कितने पंजाब एग्जाम। में तो आप सोच ही नहीं सकते हो. लाइक पंजाब में नो नो स्कोप गवर्नमेंट जॉब, लाइक नो स्कोप. बहुत मुश्किल है, और उसके बाद सैलरीज नहीं आती बहुत बहुत टाइम। मैंने ये भी हाँ सुना जी है, हाँ अभी हाँ बहुत बुरा जी हाल चल हाँ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, इतनी सैलरी लाइक दो दो हाँ तीन तीन महीने नहीं आ रही, फिर ग्रोथ नहीं है, प्रमोशंस नहीं है। वो आपने बताया कि यहाँ पे आप असिस्टेंट हो फिर भी यू आर अर्निंग गुड, कि उसके बाद या आपकी प्रैक्टिस के बाद यू कैन गो इन मच हाँ. ओके। एंड द बेस्ट पॉइंट इज लाइक दे आर प्रोवाइडिंग मी बर्सरी. वो मुझे आ गया, अभी मैंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है. तो जो क्रेडेंशियलिंग का था आई थिंक $1500 वो उन्होंने पे किया है दैट्स ब्रिटिश. ग्रेट। या आई एम गेटिंग बर्सरी फ्रॉम मिनिस्ट्री, डायरेक्ट फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया मिनिस्ट्री. इट रियली हेल्प्स अ लॉट. या और उन्होंने कहा था कि एक कोर्स होता है मैंडेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से करना, उसकी भी $500 फीस थी, वो भी उन्होंने पे की है मेरी. तो अभी मैंने और एक एग्जाम देना है, उसके बाद मेरे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जो मुझे कोचिंग लेनी है प्रिपरेटरी जो एग्जाम के लिए, उसके लिए भी वो मुझे बर्सरी कवर प्रोवाइड है, करेंगे. हाँ दैट्स जी सो जी ग्रेट। मतलब अगर आप सही प्रोफेशन में हैं प्रियंका, तो ऑब्वियसली तो हाँ जी दे'ल ट्राई देयर बेस्ट कि आप उस पे, क्योंकि यहाँ पे ना कमी है हेल्थ केयर में, बहुत कमी है।
अच्छा आप जी नर्सिंग में हैं, चाहे फिजियोथेरेपी में है, और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड तो है ही, सो दैट्स सो हाँ गुड टू जी नो. हम एक अलग से वीडियो भी लेके आ रहे हैं, अगर आप लोग फिजियोथेरेपी में इंटरेस्टेड हैं कि प्रियांको को जॉब कैसे मिली और कौन से लाइसेंसेस हैं, कैसे एग्जाम देना है, कैसे आप पीआर ले सकते हैं, उसका थोड़ा इन डेप्थ वीडियो आएगा. लेकिन इस वीडियो का यही पर्पस था कि एलमआई के बिना कैसे आप कर सकते हैं. हाँ सो जी नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है प्रियंका, कि इसका प्रोसेसिंग टाइम आपका, जैसे आपने बताया कि अक्टूबर में आ गया था, उसके बाद क्या क्या स्टेप हुए और फाइनल पीआर आपको कब मिली? लाइक आई टोल्ड यू कि जनवरी में अक्टूबर 2022 और सितंबर 2022 में हमारे आ गए थे हायर लेटर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 23 में जैन में इनमें आ इनविटेशन गया. आ गया, फिर बायोमेट्रिक्स मेडिकल एंड ऑल. तो उसके बाद ना हम काफी वेट करते रहे, कुछ अपडेट नहीं आ रहा था. देन हम लोगों ने वेब फॉर्म जनरेट किया था, क्योंकि इन लोगों ने हायर लेटर पे डेट उन्होंने मई की डाली हुई थी. तो इवन दे वेर ईगरली वेटिंग कि कब हम आएंगे, क्योंकि इतने टाइम से वो रुके रहे हमारे लिए. द पोजिशन वॉज एम्प्टी, देर वॉज नो वन. या तो उनको था कि इतना टाइम लग रहा है, तो इफ लाइक पी आर इज टेकिंग लॉन्ग देन यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट. बट माई कंसर्न वॉज किड्स, मुझे वर्क परमिट पे नहीं आना था, क्योंकि फिर अगर मैं वर्क परमिट पे आती तो मुझे एक बच्चे का स्टूडेंट वीजा करना होता था और एक बच्चे का विजिटर वीजा. सो आई जस्ट डिडंट वांटेड दैट कॉम्प्लिकेशंस, एंड इट वुड हैव बीन वे मोर कॉस्टली अगर मैं वैसा कुछ करती तो. तो देन वी जनरेटेड अ वेब फॉर्म. तो उसमें फिर वेब फॉर्म जनरेट करने के बाद आईआरसीसी से हमें मेल आई थी. दे वांटेड सर्टेन प्रूफ्स रिलेटेड टू आवर क्लिनिक, क्योंकि मैंने वहाँ क्लिनिक का ही शो किया था. मतलब ठीक है, एवरीथिंग वाज ट्रुथ, आई डिडंट मैनिपुलेटेड एनीथिंग. मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी आपका एक्चुअल है, ऑलवेज गो विद द ट्रुथ, बिकॉज दे कैन आस्क यू फॉर एनी डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर. तो आपके पास सारा कुछ रेडी होना चाहिए कि अगर वो आपको कुछ भी पूछते हैं तो आप उनको प्रूफ दे सको कि हमारा ये है, हम यहाँ काम करते हैं. अगर किसी का मतलब पर्सनल प्राइवेट है तो, या अगर जॉब फ्रंट पे हैं जो भी, बिकॉज दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग. दे आस्क फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, फिर वो उसे प्रोवाइड किया हमने. तो उसके बाद लाइक इन जून आई सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड July 5th आई गॉट माई COPR. एक्सपेडाइट हो गया प्रोसेस आपका उस वजह से. हाँ जी हाँ, July 5th को आ गया था COPR. बस फिर वीजा के लिए पासपोर्ट वगैरह सबमिट करना एंड ऑल दैट, एंड देन आई इन्फॉर्म द हॉस्पिटल एम्प्लॉयर्स दैट आई हैव रिसीव्ड माय दिस थिंग, पासपोर्ट आ गया है स्टैम्प होके. तो उन्होंने फिर 25 सितंबर की डेट दे दी थी हमको न्यू हायर लेटर जनरेट करके. तो बस फिर Then you landed here. सो नेक्स्ट, इसमें फीस का क्या स्ट्रक्चर था, आपको कितना पे करना पड़ा प्रोसेसिंग फीस, कोई आइडिया? एड ऑन तो कुछ भी नहीं पे करना पड़ा. जो नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस होती है बायोमेट्रिक्स की, या हम जो वीजा मेडिकल फीस? शॉप हाँ हैं, जी, हाँ सही जी हाँ, वीजा फीस थी. वगैरह होती है, वही होती है. इनफैक्ट पता नहीं कुछ अमाउंट भी थी लाइक वो मेरे रिक्रूटर ने ही पे की थी. इट वाज ऑफ समथिंग $250, नॉट मच, बट वो उनकी तरफ से ही थी, उन्होंने ही पे की थी वो. आई होप हाँ हमने जी सारी चीजें कवर कर ली है. प्रियंका, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू इंक्लूड हियर? या लाइक वन थिंग आई वुड से कि पेशेंस बहुत रखना पड़ता है. यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, और एक होप रखें, एक पॉजिटिविटी रखें कि हाँ होगा जरूर. तो जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग लाइक बाय एनी अदर वे, जो भी होता है. एक मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जब आप किसी भी इस पे अप्लाई करते हैं तो आप ना डेली अपना रिज्यूम उसमें से डिलीट कर दें और डेली अप्लाई करें. उससे क्या होता है कि जो पुराना, मतलब जब हम पहले अप्लाई करते हैं वो नीचे चला जाता है, नए जो लोग अप्लाई करते हैं वो ऊपर आ जाता है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ अप्लाइंग, कि आप अपना डेली उस पे से डिलीट कर दें और डेली उस पे जॉब प्रोफाइल पे अपना अपडेट करें रेज्यूम. उससे आपका ऊपर जो रहता है पूल ऊपर रहता है, में. लाइक इट कम्स इन टू फ्रेश वंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक या अभी जैसे मेरा ITA आ गया था, तो उसके बाद अभी जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मुझे उनका भी सोचना है. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डे केयर्स राइट आफ्टर दैट इन फेब्रुअरी, बिकॉज इन कैनेडा आई हैव हर्ड देर इज अ वे बिग लिस्ट फॉर डे केयर्स, जल्दी स्पॉट नहीं मिलता. तो अप्लाइंग फॉर अ गुड लाइसेंस डे केयर फॉर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट.
देन लाइक फॉर स्कूल फॉर माई एल्डर वन, उसके लिए स्कूल का भी देखना था, तो स्कूल का भी मैंने वहीं से अप्लाई कर दिया था. उनको टेंटेटिव डेट दे दी थी एंड जब फाइनल हमारे टिकट्स वगैरह बुक हुए थे तो आई मेल्ड देम दैट वी वुड बी हियर. एंड व्हेन शी अराइव्ड हियर, जब वो स्कूल गई तो उसका सारा कुछ सेटअप था, लाइक उसके डेस्क पे उसका नाम था, जहाँ पे जैकेट्स वगैरह जो सेक्शन है शूज का जैकेट्स का, वहां पे दे लेबल्ड हर नेम एंड द होल क्लास वॉज ऑलरेडी नोइंग दैट देर वॉज समवन हुज कमिंग फ्रॉम इंडिया. इंडिया. या सो शी वॉज सो एक्साइटेड दैट एवरीबडी ऑलरेडी नोज हर नेम. तो इट रियली हेल्प्स फॉर अ चाइल्ड. Yeah, and apart from that, like as you have mentioned in your previous videos, like buying a Canadian SIM from India, Okay. it really Yeah. helps a lot. That really helps. I'll Yeah, and emphasize it the one again. like Fido, it gives like a good data package also. तो इजी हो जाता है कि जब हम यहाँ लैंड करते हैं तो अपने एक बैक देयर इन इंडिया, अगर घर वालों के साथ कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप कॉल हाँ करना है जी. तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. और लोकली भी कहीं कॉल करना है तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है. हाँ एंड जी. लाइक बुकिंग एन अपार्टमेंट एंड और अ हाउस बैक देयर फ्रॉम इंडिया, लाइक आई डिड एवरीथिंग फ्रॉम देयर, लाइक लुकिंग समवेयर दैट इज नियर टू योर जॉब प्लेस, क्योंकि यहाँ पे वेट लिस्ट ही इतनी है जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, तो दैट इज अ बिग टास्क. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट या लाइक ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, आई ऑलरेडी बुक्ड एन अपॉइंटमेंट विथ आरबीसी बिफोर आई केम हियर. और एक चीज जरूर याद रखना, जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो उनको मतलब पहले ही बता दे कि हमने अकाउंट ओपनिंग की भी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और क्रेडिट कार्ड की भी, क्रेडिट कार्ड की भी. अदरवाइज देन यू हैव टू कम अगेन. और आरबीसी की अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना मिलती नहीं है अपॉइंटमेंट, नहीं तो दैट इज ऑल्सो बिग टास्क. सो आई वुड लाइक आल्सो इट्स रिकमेंड कि यहाँ पे आते ही यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि फाइव अकाउंट्स दैट यू शुड ओपन एज अ न्यू कमर, वो भी जाके देख लेना. हाई हाँ इंटरेस्ट मैंने सेविंग्स अकाउंट जरूर देखी, ओपन करा लेना, आई हैव वो सीन बहुत. दैट एंड इट हैज या रियली हेल्प मी अलॉट, क्योंकि या वो सब मैंने कर लिया, मतलब हाँ जी आरएसपी है, एफएचएससी, सब सब तभी शुरू कर दिया था मैंने स्टार्टिंग में. हाँ जी हाँ जी. इजीली या मेरी यही कोशिश रहती है, क्योंकि जैसे हम न्यू कमर आए थे तब उस टाइम पे इतनी वीडियोस नहीं होती थी, अभी तो काफी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाती है. हाँ सो जी हाँ. डे वन पे ही आप सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, जैसे आपने बताया प्रियंका ने, तो बेबीज के लिए, अपने किड्स के लिए, डे केयर, स्कूल, बैंकिंग, ये एडवांस में करके रखे. एंड इज देयर एनीथिंग नो, एल्स प्रियंका यू वॉन्ट इंक्लूड? एवरीथिंग रेस्ट इज एवरीथिंग इज फाइन. कवर्ड. या इनिशियली लाइक हाँ होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट ठीक है, हम इंडिया में भी तो स्ट्रगल करते ही हैं. ऐसे नहीं है कि वहां नहीं कर रहे थे, वहां पे इजीली मिल रहा था, नहीं, काम तो वहां भी कर रहे थे. सिर्फ इतना होता है कि टाइप ऑफ स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ और वहां, तो थोड़ा पेशेंस रखें, एक होप रखें, पॉजिटिविटी रखें, फेथ रखें कि हाँ मतलब सब अच्छा होगा, करते जाए करते जाए, जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग गेट्स इजियर बाय टाइम. Oh, sounds good and that's absolutely true, I would say. And Priyanka की जो success story, I would call it a success story, क्योंकि नहीं कोई सोच सकता, क्योंकि लोग पहले ही बस भूल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं यार हो ही नहीं सकता, हमारा स्कोर कम है, या फिर हम लोग वहां से कैसे अप्लाई करें, आ ही नहीं रहा, जल्दी गिव अप कर देते हैं कि हमने अप्लाई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रेज्यूमे जैसे आपने बोला डिलीट करना है, वो एक बार फिर से बता दें कि कौन सी प्रोफाइल से डिलीट करना है. आप जॉब बैंक की बात कर रही थी या फिर आप इंडीड की बात कर रहे थे? दोनों दोनों पे दोनों ही. से. हाँ जी हाँ, ओके क्योंकि इंडीड पे भी क्या होता है ना, मतलब एक बार जैसे हम अप्लाई कर देते हैं तो वो ना बार बार आते रहता है, जब हम चेक ओके करते हैं जो हमको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसमें मतलब डिलीट कर दो दोबारा अप्लाई कर दो, डिलीट कर दो दोबारा अप्लाई कर दो. लाइक आई यूज टू डू दिस डेली, लाइक रोज रात को मेरा 15-20 मिनट का यही काम होता था लैपटॉप लेके. अगर लैपटॉप पे टाइम नहीं मिलता था तो मैं फोन पे कर फोन पे लेती कर थी. लेते थे. हाँ, बट आई यूज टू डू इट, लाइक कुछ भी हो जाए इतना इसके लिए स्पेयर निकालती थी टाइम कि आई हैव टू डू इट, आई हैड टू गेट थ्रू इट, लाइक आई हैड दैट साउंड्स गुड, फीलिंग. एब्सोल्यूटली अमेजिंग आई वुड से. सो गाइस प्लीज अपने एफर्ट्स डालें, फेथ रखें जैसे प्रियंका ने बोला, पेशेंस रखें, और टिप्स इन्होंने बहुत अच्छे हमारे साथ शेयर किए हैं, सो वो टिप्स जरूर फॉलो करें और अप्लाई करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी इवन वाइल सिटिंग आउटसाइड कैनेडा. सो आई होप आपकी भी ऐसी ही कोई स्टोरी हो, अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी होती है तो मुझे मैसेज जरूर करना, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे और पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे लोगों की, वो भी अप्लाई कर सके. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स टू प्रियंका फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड शेयरिंग हर यू नो एक्सपीरियंस.
with us. And thank you, Priyanka, for your valuable time. Thank you so much. Thank you so much for watching. You're really helping out a lot. Like your previous videos, I have been started following you since long time. So it has really helped a lot. So I would also recommend people ki share karo, Sandy ji ko share karo jitna ho sake, taki log unke videos dekhe, unko knowledge mile, and like they can go through the right track. That's it. Like sounds good. Thank you so much. Mujhe matlab yakeen hi nahi hota ki ek video logon ki itni help kar rahi hai. Apne mujhe message kiya tab bhi mujhe bahut khushi hui ki jab koi mera apna follower yahan pe aa raha hai aur wo bhi aise process ke through, to bahut acha lagta hai. So thank you so much, and you know, it feels like mission accomplished. Yaar kuch to kar rahe hain kahin to help kar rahe hain, giving back to the community. Yes, yes, definitely. Thank you so much, Priyanka. Aur aapne bhi usi cheez mein bahut contribute kiya aaj, then you help people a lot as well. I hope sabko ye video achhi lagi hogi. Agar koi bhi physiotherapy ke related hai, uske liye hum alag video leke aa rahe hain, to physiotherapy ke questions aap comments mein zarur likh dena. Aur is cheez mein bhi agar aapko koi question hai to wo comment likh dena. I'll ask Priyanka, अगर उनके पास टाइम होगा तो वो आंसर कर देंगी उस कॉमेंट्स को. जितनी हमें नॉलेज होगी हम भी ट्राई करेंगे आंसर करने की. Yes, definitely. थैंक यू सो मच प्रियंका. चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. बाय एवरीवन. टेक केयर.